हमारे साथ इसमें मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सहनी सर, बिपिन रावत जी की जो शहीद हुई उसको आप बिपिन रावत जी मेरे एनडीए के कोच थे और 1975 से हम एक साथ ट्रेनिंग की हमने और उसके बाद एक साथ पूरा जीवन बताया। बिपिन जी मधुलिका जी बहुत क्लोज मेरे फ्रेंड थे और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं दिसंबर 2017 में रिटायर हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल डायरेक्टर जनरल मैकनाइज फोर्सेस, तो मेरी डाइनिंग आउट में उन्होंने अपने कंधों पर लेकर मेरे को डाइन आउट किया था। अब वो चीज़ याद आती है कि आज मैंने उनको कंधा दिया और इस परिस्थितियों में जब उनके घर में इतनी खुशियाँ के साथ मोमेंट्स बिताए, आज उनकी दोनों बेटियों को कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल रहा। बस ये भी बोला कि वी ब्रेव लाइक योर पेरेंट्स, मगर ये भी कहना जो बड़ा मुश्किल रहा क्योंकि अभी भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि बिपिन और मधुलिका जो देश के तो डीडीएस और अव्वल दर्जे के ऑफिसर और लेडी रहे, अगर मेरे खुद के लिए और मेरी वाइफ के लिए एक फैमिली थी। और बड़ी अफसोस की बात है, मैं यही कह सकता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है देश के लिए शायद ही किसी ने इस दर्जे का काम किया है और ये हम आगे वाले आने वाले पीढ़ी के लिए बड़ा एक इंस्पिरेशन है कि उनके कदमों को देखते हुए, उनके कैरेक्टर को देखते हुए, उनके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को देखते हुए, उनकी इंटीग्रिटी को देखते हुए, उनके फोकस को देखते हुए आगे बढ़े। और सर आखिरी बार कभी अभी कब आपसे बात हुई, उनसे कोई ऐसा याद कर लगा जो तकरीबन 2 महीने पहले बात हुई थी मेरी और मधुलिका जी से तो 1 हफ्ते पहले ही बात हुई थी मेरी वाइफ की और हम बात करते रहते थे मगर वो बिजी रहते थे तो इसलिए जान के इतनी जल्द नहीं होता था। हम एक दूसरे के घर जाते थे कोई भी सेलिब्रेशन, चाहे उनकी एल्डर डॉटर की या जब वो सीडीएस बने, हमेशा याद करते और एक साथ हम बिताते थे वो मोमेंट्स हैप्पीनेस के, तो सुख दुख में हमेशा एक साथ रहे। तो ये आपने सुना लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सहनी जो जनरल बिपिन रावत के बैचमेट थे और उन्होंने अपनी यादें हमारे साथ साझा की और बताया कि जब 2017 में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए तो जनरल बिपिन रावत ने उनको कंधे पर बैठाकर फेयरवेल दी थी। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज के। ABP News, आपको रखे आगे।